हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अतरा शहरयार और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी इंस्पायर्ड मेकअप, जो कि पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी। मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर ने मुझे पिक्चर सेंड की थी और कहा था कि ये पिक्चर आप देख कर ऐसा मेकअप हमें करना सिखाएं, सो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो मैंने बनाई है। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले जी मैंने लेंजेज वेयर किए हैं, ग्रे कलर के बहुत ही प्यारे से लेंजेज हैं और ये मैंने बाय किए थे द लेंस शॉप से। इंस्टाग्राम पे पेज है, वहाँ मेंशन कर दूंगी। उसके बाद आते हैं जी अपनी आईब्रोज की तरफ। सारे बालों को मैं नीचे की तरफ कर दूंगी और ये वाला पैलेट यूज कर रही हूँ। इसमें से मैं ये ब्राउन और ब्लैक कलर लूंगी और इससे अपनी आईब्रो को फिलअप करूंगी। ठीक है, मुझे कुछ दिनों पहले एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप प्रोडक्ट्स नहीं दिखाती हैं, तो मैंने सोचा आज मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स भी दिखाऊंगी। अगर आपके पास ये पैलेट नहीं है तो आप किसी भी पैलेट में से ब्राउन और ब्लैक कलर को मिक्स करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जो मैंने जो गाइडलाइन बनाई थी उस पर पहले मैंने फिलिंग की, उसके बाद स्पूली की हेल्प से सारे बालों को मैं ऊपर की तरफ कर रही हूँ और उसके बाद जो नीचे की गाइडलाइन हमें मिली है इसके ऊपर मैंने जो है वो चलना है और अपनी आईब्रोज को अच्छी तरह से फिलअप करना है। ठीक है, और जो फ्रंट का एरिया है उस पर हमने फिलिंग नहीं करनी क्योंकि हार्श आईब्रोज का आजकल बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है। अब मैं क्या कर रही हूँ, स्पूली की हेल्प से सारे बालों को अच्छी तरह से मैंने कॉम कर लिया और सारा जो कलर था उसको ब्लेंड कर लिया। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ जी मिस रोज़ का ये लिक्विड कंसीलर और शेड है इसका फेयर। मैं फेयर शेड में यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी आई बेस बनानी है। आई बेस आपकी जितनी जो है वो लाइट कलर में होगी उतने आप जो कलर्स अप्लाई करेंगे वो पॉप अप होंगी। ठीक है, तो मैं आईब्रोज़ के नीचे भी अप्लाई कर रही हूँ और उसके बाद अपनी आई लिड के ऊपर भी अप्लाई कर रही हूँ एक ब्रश की हेल्प से। ठीक है, और आई बेस मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बनाना इसलिए ज़रूरी कि आपके कलर्स जो हैं, जो आप कलर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कलर्स जो हैं काफ़ी पिगमेंटेड नज़र आते हैं। ठीक है, अपनी आईब्रोज को नीचे से भी और ऊपर से भी अच्छी तरह से मैं इसकी हेल्प से शार्प दिखाना चाह रही थी। उसके बाद जी मैंने एक ब्लेंडर लिया है, डैम ब्यूटी ब्लेंडर, उसकी हेल्प से इस कंसीलर को मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूंगी। आपने रगड़ना नहीं है, डैबिंग मोशन में आपने इसको जो है वो अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना की ये रेडियंट फाउंडेशन। मेरा शेड है इसमें बेज 7 और आप भी अपने फेस कलर के हिसाब से हमेशा फाउंडेशन अप्लाई किया करें। कभी ये ना किया करें कि आपका स्किन कलर अगर डार्क है तो आप लाइट कलर की फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हो, ऐसे बहुत बुरा लगता है। अच्छा, मैं अपने कलर की फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, आप देख रहे होंगे काफ़ी डार्क शेड है ये, लेकिन अभी जब मैं इसकी ब्लेंडिंग करूँगी तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त मेरी स्किन के साथ मैच हो जाएगा। ठीक है, इसको ब्रश की हेल्प से मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने पूरे फेस पर और उसके बाद मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको जो है वो टैप टैप करके और ब्लेंड कर रही हूँ अपनी स्किन के अंदर। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि जो कलर है मेरी स्किन के साथ बिल्कुल मैच हो रहा है। मेरी स्किन का कलर कुछ और फाउंडेशन का कलर कुछ और नहीं है, बिल्कुल सेम है। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ जी कंसीलर, वही कंसीलर लिया है मैंने फेयर शेड में और इसको मैंने अप्लाई कर लिया अपने अंडर आई एरिया पर और इसको भी अच्छी तरह से मैं ब्लेंड कर दूंगी। ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ले रही हूँ जी मैं पार्टी क्वीन का ये लूज पाउडर, बहुत ज़बरदस्त है ये। इसकी हेल्प से मैं अपनी आई बेस को और अपनी फाउंडेशन को अच्छी तरह से सेट कर लूँगी, लॉक कर दूंगी ताकि मेरी जो लाइन्स हैं आइज़ के ऊपर इसके अंदर जो है वो शेड्स ना जाए, मतलब प्यारा सा लगे। ठीक है, इसके बाद मैं ग्लैमरस फेस का ये पैलेट ले रही हूँ। इसका डिटेल रिव्यू मैंने अपनी एक वीडियो में दिया हुआ है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसमें से मैंने लिया है पिंक शेड और एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसको मैं अपने क्रीज एरिया में अप्लाई कर रही हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा सा कलर लेती जाऊँगी और उसको बिल्डअप करती जा रही हूँ। एक साथ आपने बहुत ज़्यादा कलर नहीं ले लेना वरना हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा थोड़ा सा कलर लेते जाएंगे और हम अपनी ब्राउ बोन के एरिया तक इसको ब्लेंड कर देंगे। उसके बाद ये थर्ड वाला शेड जो आपको ब्लू नज़र आ रहा है फर्स्ट वाली रो में, ये ब्लू शेड लिया है मैंने और इसको मैंने अपने क्रीज एरिया से नीचे नीचे यानी आई लिड के ऊपर अप्लाई किया है। क्रीज एरिया से ऊपर नहीं जाना, बिल्कुल नीचे नीचे रहना है क्योंकि जो उन्होंने पिक्चर मुझे सेंड की थी उसमें भी उनका जो मेकअप है बेसिकली उनका आई लिड के अंदर अंदर है, ऊपर नहीं है। ठीक है, तो मैं इसीलिए आई लिड के अंदर रहते रहते इसको अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं यूज़ कर रही हूँ हैंग फैंग का ये वाला ग्लिटर, लिक्विड ग्लिटर है, बहुत ही प्यारा शेड है ये। अब इसको मैं इसी के एप्लीकेटर की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ जो पहले मैंने ब्लू कलर लगाया था उसके ऊपर, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाऊँगी। ठीक है, अब मैंने वही ब्लेंडिंग ब्रश लिया है और इस पर कोई मैंने एक्स्ट्रा कलर नहीं लिया और इसके एजेस को अच्छी तरह से मैं नीट कर रही हूँ। अब आते हैं जी लोअर लैश लाइन की तरफ। मैंने लिया है जी एक एंगल ब्रश और ब्लैक कलर का जेल लाइनर मैं अपनी लोअर लैश पर अप्लाई कर रही हूँ। उनकी जो पिक्चर है उसमें लोअर लैशेज नज़र नहीं आ रही हैं लेकिन मैं यहाँ पर
ब्लैक कलर अप्लाई कर रही हूँ, और उसके बाद फिर मैंने लिया है जी एक और एंगल ब्रश और उसकी हेल्प से ब्राउन कलर के साथ इसको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूँगी। ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आइज़ के नीचे इस तरह से लगा हुआ बहुत बुरा लगता है। अब जी मैं अपनी ब्राउ बोन एरिया को हाईलाइट कर रही हूँ, बिल्कुल लाइट सा मैंने वाइट कलर लिया है, बहुत हल्का सा लिया है ब्रश के ऊपर, और उसको मैंने अप्लाई कर दिया है। अब मैं इनर कॉर्नर बना रही हूँ, हल्का सा इनर कॉर्नर बनाया है मैंने, कोई ज़्यादा नहीं बनाया, और लैशेज अप्लाई कर ली हैं, आंखों के अंदर काजल अप्लाई कर लिया है, और ये रही हमारी फाइनल लुक। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये लुक इस पिक्चर के करीब करीब है या बिल्कुल भी नहीं, और अगर आप कोई आई लुक रिक्रिएट करवाना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल सकें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।